इस वीडियो में सामान्य ज्ञान और विज्ञान के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम को एग्ज़ाम में जो आपका लगा हुआ 17 से 14 दिसंबर तक उन सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी है ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड। तो गाइस देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जो लोग इंग्लिश मीडियम के वो लोग इंग्लिश में देख सकते हैं, जो लोग हिंदी में हैं और वो लोग हिंदी में क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। अगला है खालिस्तान को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी कुर्ग। अगला है टिड्डा के कान उसके खालिस्तान पर स्थित होते हैं। तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी स्टोमच या कह सकते हैं पेट। नेक्स्ट मैंगलोर की संधि पर विट्रेस ईस्ट इंडिया कंपनी और खालिस्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। अगला है खिचड़ी उत्तरायण और लोहड़ी खालिस्तान त्यौहार के विभिन्न नाम हैं। ऑप्शन डी मकर संक्रांति। अगला है भारत के पहले चंद्र जांच को कहा गया था। तो क्या कहा गया था, ऑप्शन बी चंद्रयान फर्स्ट। अगला है बैंकिंग के संदर्भ में, बैंकिंग के संदर्भ में एडीएफ का पूर्ण रूप है, ऑप्शन सी ऑटोमेटेड डेटा फ्लो। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, ऑप्शन डी एमाइलेज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण जीरो माइल सिटी के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन ए नागपुर। अगला क्वेश्चन आपका बनता है सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल खालिस्तान थे, ऑप्शन डी फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय ने परिधान डिजाइन के लिए वर्ष 1982 में एकेडमी पुरस्कार जीता था, ऑप्शन सी भानु अथैया। अगला है बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले खालिस्तान मंत्री थे। तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन सी कानून मंत्री। अगला क्वेश्चन है जब हार निश्चित हो जाती थी तो खालिस्तान पुरुषों को साका या सक नामक एक अनुष्ठान करना होता था जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वे आपस में नहीं आ सके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजपूत। अगला चूना पत्थर एक तल छट्टी होता है जो मुख्यतः खालिस्तान से बना होता है, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट। किसे बिहार का दुख सारो ऑफ बिहार कहा जाता है, ऑप्शन डी कोसी नदी, मतलब बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। अगला एक बैटरी खालिस्तान ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। खालिस्तान आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल क्या है, ऑप्शन ए फुटबॉल। अगला है खालिस्तान ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना वर्ष खालिस्तान में हुई थी, ऑप्शन डी 1992। अगला है पद्म भूषण विभूषण खालिस्तान पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे, ऑप्शन सी विश्वनाथ आनंद। अगला है खालिस्तान शासकों ने खजुराहो में अपने धार्मिक राजधानी स्थापित की थी, ऑप्शन बी चंदेल। अलीगढ़ आंदोलन
आंदोलन जो हुआ था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन डी सैयद अहमद खान। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? ऑप्शन ए टेस्ला। आईसीसी विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम दर्ज है? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। पुस्तक द वर्ल्ड ऑफ टाइम सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में खालिस्तान की स्थापना की थी? ऑप्शन ए इंडियन एसोसिएशन। कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी आपकी ऑप्शन बी 1540 में। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी न्यू दिल्ली या नई दिल्ली। अगला है, लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन सी मिजोरम। अगला है, तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वाष्पीकरण। अगला है, तुका रोय की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी ऑप्शन डी 1575 में। उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन। अगला है, संसद में कोई विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? ऑप्शन सी अध्यक्ष लेता है। अगला, रेखु खीम या काउरी साल किस राज्य के पारंपरिक परिधान है? ऑप्शन ए नागालैंड। अगला है, जब स्थानापत्र उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र रेखा में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाहर की ओर खिसकेगी। अगला है, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑप्शन बी प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। सह्याद्री पर्वतमाला भारत के खालिस्तान से लेकर सुदूर दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है? ऑप्शन बी गुजरात। निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन बी गांधी कोटा की विशाल घाटी। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? ऑप्शन बी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु खालिस्तान है? ऑप्शन डी किवितु। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? ऑप्शन सी हाइड्रा। ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हंटर। वेंड योर वैक वाक्यांश का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन बी क्रिकेट। निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान में डार्टी गटन हाल स्कूल के संस्थापकों में से एक था? ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। G7 AI समूह में शामिल होने वाला अंतिम G7 राष्ट्र कौन है? ऑप्शन ए अमेरिका। अगला, हाल ही में शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को कितने रुपए तक ऋण प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन बी 10,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी गायत्री कुमार। अगला है, MSME क्षेत्र की नई परिभाषा के अनुसार कितने रुपए के निवेश पर उद्यम को माइक्रो श्रेणी में रखा जाएगा? ऑप्शन बी 1 करोड़। एशियाई क्षेत्र के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीतने वाली लेखिका हैं? ऑप्शन सी कृतिका पांडे। और आज का लास्ट है, निम्न राज्यों में से किसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? ऑप्शन ए हरियाणा।
तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।